उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अलबत्ता सदर कोतवाली इलाके में हौसला बुलंद आधा दर्जन से ज्यादा असलाधारी डकैतों ने शहर में दो घरों में धावा बोलकर पुलिस को चुनौती दे दी। बदमाशों ने शहर के मोहल्ला दुर्गापुरम में रात करीब 2 बजे शांति देवी के घर में धावा बोला। यहां 5 बदमाश घर के अंदर दाखिल हो गए, जबकि 3 बदमाश घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर निगाहबानी कर रहे थे। अंदर घुसे बदमाशों ने पूरे परिवार के लोगों को गन पॉइंट पर लेकर एक कमरे में बंधक बना दिया। इसके बाद बदमाशों ने एक एक कर पूरा घर खंगाल डाला। शांति देवी की पुत्री का कहना है कि बदमाशों ने उसके घर से लाखों के जेवरात और हजारों की नकदी लूट ली। करीब 1 घंटे तक बदमाश तांडव करते रहे, लेकिन कोतवाली की स्मार्ट पुलिस को बदमाशों की मौजूदगी की भनक तक नहीं लगी। बदमाशों का कहर यही खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने रात्रि गश्त के दावों की पोल खोलते हुए दवा की दुकान पर काम करने वाले संदीप रस्तोगी के घर पर धावा बोल दिया। यहां भी परिवारजनों को बंधक बनाने के बाद बदमाश हजारों की नकदी वो घर में रखा अन्य जरूरी सामान लूटकर फरार हो गए। यहां जब संदीप के भाई ने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने लोहे की रॉड से उसकी पिटाई कर दी। दोनों घटनाओं को अंजाम देने के बाद बदमाश गृह स्वामियों को ये धमकी देकर चले गए कि यदि उन्होंने पुलिस को सूचना दी या शोर मचाया तो उनको खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल बदमाशों के जाने के बाद भुक्तभोगियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है, लेकिन घटनाओं के बाद मोहल्ले के लोग काफी दहशत में हैं। ये नितिन रस्तोगी का घर है, वहाँ पे मिश्राना चौक के क्षेत्र में पड़ता है। रात्रि के करीब 2:30-3 के आसपास 3 चोर पीछे के रास्ते से, जो पीछे की दीवार है 3 फीट 4 फीट ऊँची है, तो उसको फाँद करके घर में घुसे थे। फिर उन्होंने जो है घर का मेन दरवाज़ा खोल दिया, कुछ लोग और अंदर आ गए। इसके बाद जो है कुछ पैसे घर से ले गए हैं और कुछ ज्वेलरी वगैरह ले गए। 5 लोग अंदर थे, 1 मोड़े पे खड़े थे, 2 बाहर थे। अब मारने लगे हैं सबको, फिर सोना चांदी दीजिए कत्ता जोड़े हो, फिर निकालने का सब डाल रहे लगे ना, फिर मारे नहीं, फिर ले जाए गए दूसरे वाले कमरा में, जल लूटे चले गए। नहीं, कितना सामान ले गए, क्या क्या ले गए? 1 5 पेंडल ग्राम माला, 1 सिंगल है, 1 मंगलसूत्र है, चांदी ग्राम झुमकी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से अभय वर्मा की रिपोर्ट। News India.